Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Exposed India. Keep watching. चुनावी ख्याली पुलाव के साथ इस बार साफ हवा और वातावरण का भी सपना परोसा गया था, लेकिन अन्य मुद्दों की तरह इस पर भी सरकार कितना ध्यान देती है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये रिपोर्ट साफ करती है। देश ही नहीं, विश्व के टॉप 15 प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के हैं और इन 14 शहरों में से 4 उत्तर प्रदेश के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की प्रदूषित शहरों की लिस्ट। ये लिस्ट हर भारतीय के लिहाज से बेहद चिंताजनक, क्योंकि इस लिस्ट में 14 नाम भारतीय शहरों के हैं। कानपुर को बताया दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, दिल्ली छठे नंबर पर। एनसीआर इलाके में आने वाले फरीदाबाद की हालत भी प्रदूषण के मामले में बेहद खराब। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 7 मिलियन लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। हृदय रोग और फेफड़े के कैंसर से लगभग 1/4 मौत की वजह वायु प्रदूषण की होता है। प्रदूषण से लड़ने में चीन और पाकिस्तान से पीछे है भारत। दिल्ली अब एक नंबर पर नहीं रहा। जी हाँ, दिल्ली के हाथ से एक नंबर का ताज छिन गया है। खैर, घबराइए मत, ये ताज छिनने से दिल्ली का भला ही होगा। प्रदूषण स्तर को लेकर देश और दुनिया में फजीहत झेल रहा हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली अब सबसे प्रदूषित शहर नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 6 नंबर पर रखा गया है। हालांकि इस सूची में भारत के कई शहर टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गए हैं। WHO ने दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है। इनमें भारत के 14 शहर शामिल हैं, जिनमें कानपुर पहले पायदान पर है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के मामले में भारत के 14 शहरों की स्थिति बेहद खराब है। इस सूची में उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कानपुर पहले स्थान पर है। कानपुर के बाद फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर शामिल है। 15वें स्थान पर कुवैत का अली सुबह अल सलेम शहर है। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली 2015 की रिपोर्ट में 14 स्थान पर था, जो अब खिसक कर 6 स्थान पर पहुंच गया है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2014 के बीच में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन 2015 से स्थिति फिर बिगड़ने लगी है। वायु प्रदूषण को लेकर WHO ने 100 देशों के 4000 शहरों का अध्ययन किया। यह अध्ययन बताता है कि दिल्ली में 2010 और 2014 के बीच हवा की स्थिति में मामूली सुधार आया है, लेकिन 2015 से हालात फिर बिगड़ने लगे। बहरहाल, भारत में 2016 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अक्टूबर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिसंबर 2015 में ट्रकों पर पर्यावरण प्रतिपूर्ति शुल्क और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर NCR के शहरों के बीच बेहतर समन्वय जैसे उपाय इनमें शामिल हैं। लेकिन सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से स्थिति कितनी सुधरी है, इसका रिजल्ट दुनिया के सामने है।